नाम हरो विद्या और आप देख रहे आर डी मेडिकल साइंस चैनल। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे स्टेन क्या होती है, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसको जो हम पहचानते हैं तो उसके लिए हमें स्टेनिंग करते हैं, और उस स्टेनिंग के बारे में आज मैं बताऊँगा आपको स्टेनिंग कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी स्टेनिंग हम इसमें करते हैं। तो इसमें बहुत से टाइप की स्टेनिंग होती है, जैसे लिस्टमार स्टेन है, फील्ड स्टेन है, राइट स्टेन है, जिम्सा स्टेन है। इन सभी स्टेन्स के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लिस्टमार स्टेन के बारे में। तो जो हमारे पुराने यूजर्स हैं, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे नए यूजर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल रंग का बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन है उसको जरूर दबाएँ, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हमारे जितने भी वीडियो हैं सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। अगर वीडियो आपका अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने एडवाइस जो भी है आप कमेंट में कर सकते हैं, हमें कुछ भी सलाह मशवरा जो होता है उसको हमें कमेंट में दे सकते हैं, और आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो हमें आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लिस्टमार स्टेन के बारे में। दिस स्टेन कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ मिथाइलिन ब्लू यूसिन एंड मिथाइलिन ब्लू ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एजोर्स। दोस्तों मोस्टली क्या होता है, जब भी हम किसी लैब में काम करते तो कहीं पे भी देखते हैं तो रोमानोवस का स्टेन मिलती है हमें। तो रोमानोवस का स्टेन जो होती है ये इसके कई डिवाइसों में डिवाइडेड है। ये जो हमारे लिस्टमार स्टेन यूज करते हैं, हम फील्ड स्टेन यूज करते हैं, ये सब रोमानोवस का स्टेन के पार्ट हैं। तो उसी को हम बताते हैं कैसे वो क्या है। तो रोमानोवस का जो स्टेन होती है ये मिथाइलिन ब्लू और इओसिन और मिथाइलिन ब्लू ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो दीज प्रोडक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट शेड्स ऑफ स्टेनिंग। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो हमारे सेल्स होते हैं उनके पार्ट को अलग अलग से कलर्स देते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म को अलग कलर मिलता है, न्यूक्लियस को अलग से कलर मिलता है। तो ये सब इसके अंदर जो मिक्सर होता है योसिनो एसिडिक और बेसिक डाई का, उसकी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट शेड से कलर लेते हैं, जैसे कि रेड सेल पिंक दिखाई पड़ता है हमें, इसिनोफिल्स जो होते हैं उसके ग्रेन्यूल्स रेड ऑरेंज, बेसोफिल ग्रेन्यूल्स ब्लूइश ब्लैक, वाइट सेल साइटोप्लाज्म फेंट पर्पल, इस टाइप के हमें सेल्स जो हमें उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं इसकी वजह से ही। प्रिंसिपल ऑफ स्टेनिंग, इस स्टेन का क्या प्रिंसिपल होता है, कैसे काम करती है। द मिथाइलिन ब्लू स्टेनिंग सॉल्यूशन कंटेन मिथाइलिन ब्लू एंड इओसिन, इसके अंदर मिथाइलिन ब्लू और इओसिन होता है। द मिथाइलिन ब्लू इज बेसिक नेचर होती है, जब मिथाइलिन ब्लू होता है ये बेसिक डाई होती है, एंड इओसिन इज ए एसिडिक डाई, यानी एसिडिक नेचर या एसिडिक डाई बोल सकते हैं, एसिडिक होती है। तो जो मेथिलीन ब्लू मेथेनॉल यूज एज ए फिक्सेटिव, जब मेथेनॉल होता है इस स्टेन के अंदर उसका काम होता है जो हम स्मेयर बनाते हैं स्लाइड के ऊपर उसको फिक्स करना, उसको चिपका के रखना, कि अगर उसको हम फिक्स नहीं करते हैं तो वो जैसे हम उसको स्टेनिंग डालते हैं उसको वाटर से वाश करते हैं तो वो क्लीन हो जाती है। इसको स्टेन इसको फिक्स करने का काम मेथेनॉल का होता है। फॉर दिस स्टेन द बेसिक स्टेन मिथाइलिन ब्लू स्टेन द एसिडिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, जो हमारे सेल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को कलर देते हैं एसिडिक। एग्जाम्पल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज एसिडिक होता है एंड स्टेन विद मिथाइलिन ब्लू, जो न्यूक्लियस होता है उसको कलर मिथाइलिन ब्लू लेता है। एंड द एसिडिक स्टेन जो इओसिन होती है वो स्टेन द बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर को स्टेन देती है, किसको, ये साइटोप्लाज्म को। द साइटोप्लाज्म ऑफ इओसिनोफिल इज बेसिक, ये जो एसिडिक होती है स्टेन इओसिन होती है हमारे साइटोप्लाज्म को कलर देती है। एंड स्टेन विद इओसिन जो इओसिनोफिल जो होता है वो इओसिन से कलर लेता है। वी कंसिस्ट पीएच ड्यूरिंग द स्टेनिंग, इस स्टेनिंग के दौरान हम बफर जो बनाते हैं, बफर वाटर होता है उसके अंदर पीएच का बहुत ही अहम रोल होता है। अगर पीएच प्रॉपर नहीं रहेगी बफर वाटर की तो आप जो स्टेनिंग करोगे उसमें सेल्स होते हैं वो प्रॉपरली कलर नहीं ले पाते। द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन शुड बी 6.8, जो पीएच होती है बफर की उसकी 6.8 होनी चाहिए। इफ़ द पीएच इज चेंज द करेक्टर ऑफ स्टेनिंग इज आल्सो चेंज, अगर पीएच चेंज हो जाती है तो आपके जो स्टेनिंग जो सेल्स कलर लेंगे वो भी चेंज हो जाएंगे, प्रॉपरली मानी कि प्रॉपरली कलर्स नहीं ले पाएंगे। द
तो पी इफेक्ट ऑफ पी एच ऑन स्टेनिंग, मतलब पी एच का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी जो स्टेनिंग करते हैं उसमें। पी एच इज टू एसिडिक, अगर पी एच आप ज़्यादा एसिडिक कर देते हैं बफर एंड ज़्यादा पी एच ज़्यादा लो हो जाएगी तो रेड सेल्स स्टेन पिंक एंड डब्ल्यू बी सी स्टेन वेरी लाइट। जो आपके रेड सेल्स होते हैं आर बी सी होते हैं वो तो स्टेनिंग पिंक ले लेते हैं, बट डब्ल्यू बी सी जो होता है वो बहुत ही लाइट स्टेनिंग लेता है। पी एच इज टू बेसिक, अगर पी एच आपकी अल्कलाइन चली जाती है तो रेड सेल स्टेन ब्लू, जो रेड सेल्स होते हैं वो कलर ब्लू ले लेते हैं। एंड डब्ल्यू बी सी टेक ब्लूइश ब्लैक, डब्ल्यू सी जो होता है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लू से ब्लैक कलर ले लेते हैं, मतलब स्टेनिंग आप सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाओगे, ऐसा बेकार वो हो जाता है, प्रॉपरली सेल्स से कलर नहीं ले पाते, उसकी वजह से स्टेनिंग आपकी ख़राब हो जाती है। द करेक्ट पी एच 6.8 होनी चाहिए। आप इसको जब भी बफर बनाते हो तो पी एच को मेजर करोगे पी एच मीटर से। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रोमानोवस्का स्टेन कॉमनली यूज, अभी मैंने आपको बताया था जो रोमानोवस्का स्टेन होती है ये जो भी हम स्टेन करते हैं एक सब फैमिली होती है। अगर आपसे कोई ये पूछेगा भाई लिस्मान स्टेन, लिस्मान स्टेन इसका टाइप होता है, लिस्मान स्टेन के अंदर कौन से डाई होते हैं एसिडिक बेसिक डाई इस तरह से मिलके बने होते हैं। तो जो हमारे रोमानोवस्का स्टेन होती है लिस्मान स्टेन है इसका, जिम्सा स्टेन है, राइट स्टेन है, फील्ड स्टेन है। तो लिस्मान स्टेन है इसमें हमारा टाइम लगता है 8 से 10 मिनट का, इसका जो फील्ड स्टेन होती है ये बहुत ही फास्ट होती है, इसमें आपका 1 मिनट में स्टेन हो जाती है। जिम्सा स्टेन है ये भी अच्छी स्टेन है, राइट स्टेन ये भी लिस्मान की तरह ही इसमें यूज होता है। और जो जिम्सा स्टेन होती है इनकी इन सभी को मैं अभी आज तो हम डिस्कस करेंगे लिस्मान स्टेन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं आपको लिस्मान जिम्सा स्टेन राइट स्टेन और फील्ड स्टेन सभी के बारे में बताऊँगा। तो जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाल रंग का बटन है उसको दबा दीजिए, उससे कोई चार्जेज नहीं लगते और उसके दबाने के बाद आप उसको बेल आइकन है उसके बगल में उसको जरूर दबाएं ताकि जितने भी नई वीडियो अपलोड करता हूं मैं वो आप उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों प्रोसीजर क्या होता है इसको स्टेन करने का, प्लेस द स्मेयर ऑन द स्टेनिंग रैक, आप एक स्लाइड बनाते हैं उसको ड्राई करके फिक्स करके उसको स्मेयर को रख देते हैं स्टेनिंग रैक पे। पोर द स्टेनिंग ऑन स्लाइड फॉर 2 मिनट, जो हम स्लाइड होती है उसके ऊपर स्लाइड हमारी ड्राई हो जाती है, उसके बाद हम उसके ऊपर स्टेनिंग लिस्मान स्टेन पोर कर देते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप करके, उसको 2 मिनट के लिए उसके रहने देते हैं वैसे उसको, वो रखते हैं हम उसमें फिक्स होने के लिए जब तक वो स्लाइड जो होती है हमारी फिक्स हो जाती है। नाउ पोर इक्वल नंबर ऑफ ड्रॉप्स और बफर वाटर यूजिंग ए ड्रॉपर, अब उस पर इक्वल नंबर ऑफ बफर डालें, जितनी ड्रॉप्स हमने स्टेन की डाली थी उतनी ही ड्रॉप्स हम इस पर बफर वाटर के डालेंगे। लेट्स द स्लाइड बाय बी स्टेन बाय दिस मिक्सर फॉर 8 to 10 मिनट, इस मिक्सर को हम 8 से 10 मिनट के लिए स्टेन होने के लिए रख देते हैं और इसको प्रॉपरली ड्रॉपर से स्टेनिंग को मिक्स कर देते हैं वाटर को स्टेन को प्रॉपरली। और द एग्जैक्ट टाइम इस पर हम अपने पास कोई भी टाइमर वॉच होती है उस पर लगा सकते हैं आप, एक एग्जैक्ट टाइम लगाना होता है 8 से 10 मिनट का, ये नहीं होता है उसको 5-10 मिनट के बाद हम उसको छोड़ जाते हैं स्लाइड उस पर सूख चुकी है। अगर आपकी स्लाइड सूख भी जाती है तो उसका मैं आपको बताऊँगा उसका क्या प्रोसेस होता है, उसको दोबारा से उसी स्टेन को आप यूज़ कर सकते हैं कैसे करेंगे। पोर रनिंग वाटर फ्रॉम वन साइड ऑफ द स्लाइड, जो हमारी स्लाइड है 8 से 10 मिनट के बाद में हम उस पर रनिंग वाटर से उसमें स्लाइड को वॉश करते हैं। पिक अप द स्लाइड एंड कीप इट फॉर ड्राइज, स्लाइड को ड्राई होने के लिए रख देते हैं। द स्लाइड इज़ रेडी फॉर एग्जामिनेशन, स्लाइड जो होती है हमारी ड्राई होने के बाद में रेडी हो जाती है देखने के लिए। अभी मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि दोस्तों स्लाइड के कितने पार्ट होते हैं, जो हम स्लाइड देखते हैं उसके कितने पोर्शन होते हैं और उसमें से हम किस पोर्शन को देखते हैं, तो अभी मैं इसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया इसका। द फर्स्ट एग्जामिन द स्टेन स्मेयर अंडर लो पावर स्मेयर, जो हमारी स्लाइड होती है यानी स्मेयर होती है उसमें 3 जोन्स होते हैं स्लाइड के, थिक एरिया होता है हेड और सेकंड बॉडी और थिन एंड ऑफ द स्मेयर टैग यानी टैग। तो मैंने उसमें यही पूछा था ये तीनों पार्ट कौन कौन से होते हैं इसके स्मेयर के, और काफ़ी दोस्तों ने उसमें रिप्लाई भी किया हुआ है कमेंट पे।
अच्छा है कि जो भी आपको अगर आंसर पता है नहीं पता है तो आप कुछ भी कमेंट में लिखिएगा। अगर नहीं पता है तो मैं उसका बताऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर ज़रूर देता हूँ। कोई भी मैं आंसर का कभी पूछता हूँ किसी वीडियो में तो क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका आंसर ज़रूर देता हूँ। तो दोस्तों जो हम DLC करते हैं, TLC करते हैं, वो बिफोर टेल यानी टेल से थोड़ा सा पहले का एरिया करते हैं, वहाँ पर सेल्स होते हैं ओवरलैप नहीं होते हैं। चूज द पोर्शन स्लाइटली बिफोर द टेल एंड प्लेस ए ड्रॉप ऑफ ऑयल इमर्शन, और स्लाइड जो है उसको हम सेल्स जो होते हैं उनको ऑयल इमर्शन पे देखते हैं 100 ओयर पे, 100 पावर एक्स होता है उस पर हम इसको DLC या सेल्स को जो भी होते हैं प्लेटेट्स होते हैं सभी को हम उसी पे देखते हैं। पहले उसको 10x पे, उसके बाद 40x पे सेट करके उसके बाद हम उस पर नेक्स्ट जाते हैं। और दोस्तों लिस्टमैन स्टैंड प्रिपेयर कैसे करते हैं, इट इज़ ए पाउडर शेप पाउडर आता है इसका, उसको डिजोल्व करते हैं 0.1 ग्राम ऑफ पाउडर स्टेन इन 100 ml ऑफ एस्टोन फ्री मिथाइल एल्कोहल में मिक्स करके इसको रेडी करते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर आपने स्टेनिंग डाली हुई है स्टेन होने के लिए रैक पे और आपकी स्लाइड अगर आप उसको भूल जाते हैं 10 से 15 मिनट 20 मिनट हो जाते हैं और वो पूरी स्टेनिंग उस पर सूख जाती है, तो उसको आप क्या करोगे, उसको टेप वाटर से रनिंग वाटर से उसको वॉश करके उस पर थोड़ा सा स्टेन फिर से डाल दीजिए। जो स्टेन आपकी चिपकी हुई है आप अगर आप उसको वाटर से साफ़ करोगे तो नहीं हटेगा, उसके ऊपर से कितना भी वाटर डाल लीजिएगा आप, वो स्लाइड उस पर स्टेन जो है उस पर चिपक चुकी है उसके आप उसके ऊपर आप फिर से थोड़ा सा लिस्टमैन स्टेन डाल दीजिए, जितना भी स्टेन होगा आपका पूरा वाश हो जाएगा और उसको फिर आप वाटर से वाश करके और पीछे की तरफ से टिश्यू पेपर से आप उसको साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों पांच ग्रुप वगैरह में, और जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँगा, अभी हमारे अभी फील्ड स्टेनलेस मैन ये जो जिम साइज स्टेन सभी के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।